हेलो दोस्तों, आज हमारा प्रीमिक्स का 97 सेशन है और इसमें हम बात करेंगे आज किसकी, ज्योग्राफी की। ठीक है दोस्तों, राइट अवे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे कुछ सवाल हैं ज्योग्राफी जुड़े हुए, आसान सवाल हैं और ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और थोड़ा लगे भी जो जो तैयारी कर रहे हो वो हमें कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला सवाल आप सबके लिए ये है, गैंजेज रिवर डॉल्फिन, जो गंगा में, गंगा नदी को गैंजेस बोलते हैं अंग्रेज लोग, तो गैंजेस रिवर डॉल्फिन इज फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिलती है ये? ठीक है, गंगा रिवर में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र में, नर्मदा या सुबर्ण रेखा में भी मिलती है। तो आपने बताना है कौन सी ऑप्शन सही है यहाँ पर, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड फोर ओनली, या ऑल आर करेक्ट, कि जो जो गैंजेस रिवर डॉल्फिन जो कहलाती है वो इन सभी जगहों पे मिलती है। तो अपना आंसर यहाँ मार्क कीजिए एंड पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यूपीएससी में 2013 प्री में गैंजेस रिवर डॉल्फिन जुड़ा हुआ सवाल आया था और हमारे टेस्ट सीरीज में भी था, हमने वहीं से ही थोड़ा उसको और मॉडिफाई करके आपके सामने यहाँ प्रेजेंट किया। एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर इज वन एंड टू ओनली। अदरवाइज देखो, जो डॉल्फिन, जो आपको मैं थोड़ा सा कहानी समझाता हूँ यहाँ पर, जो जो फ्रेश वाटर या फिर रिवर डॉल्फिन कहलाती है, जो हमारी गंगा में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में, इसको, लेकिन जो इसकी जो सब स्पीशीज हैं या फिर जो ये पूरी स्पीशीज जो क्या कहलाती हैं, ये गैंजेस डॉल्फिन कहलाती हैं। दोनों ही जगह मिलती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र में भी, और इसके सिवा एक इसकी एक और सिस्टर सब स्पीशीज है बिल्कुल ऐसी ही, वो इंडस रिवर में मिलती है। और उसके आगे देखें अगर, तो ये कहाँ, इंडिया में कहाँ मिलती है ये, इंडिया में गंगा में, ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल में, वहाँ भी ये पाई जाती हैं। एंड उसके आगे अगर चाहो देखना, तो जो हमारी इंडस रिवर वाली डॉल्फिन है वो इंडस रिवर की जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे ब्यास, सतलुज, वहाँ भी पाई जाती हैं। तो मैं थोड़ा साथ में पैरेलली इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में बता रहा हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे अगर यूपीएससी पूछ ले, लेकिन पूछा नहीं है अभी तक, लेकिन गैंजेस रिवर डॉल्फिन के बारे में पूछ चुके हैं वो। एंड उसके बाद जो ये गैंजेस रिवर डॉल्फिन है, ये भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ये भी सवाल पेपर में आ चुका है कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, तो ये, और ये है गैंजेस रिवर डॉल्फिन, वैसे मैंने यहां लिखा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान का आपको पता है अगर एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, पाकिस्तान वाला है इंडस, इंडस रिवर डॉल्फिन पाकिस्तान का एक्वेटिक, वो उनका वो नेशनल मैमल है, इनफैक्ट नेशनल मैमल, यहां लिखा नहीं हमने, ओके। और उसके बाद ये एक और बात जाननी जरूरी है कि ये गुवाहाटी सिटी का ऑफिशियल एनिमल भी है, जो गैंजेस रिवर डॉल्फिन गुवाहाटी का, इसका एक और नाम भी है वैसे आपको शायद पता हो, ये क्योंकि जब ये जब चलती हैं तो ये सू सू की आवाज निकालती हैं, तो इसलिए ये सू सू के नाम से भी फेमस हैं। आपको ये प्री में ऑप्शन बना सकते हैं कि कौन सी है, इनको ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है, ठीक है, ओके। और इनका जो ट्रेड है ये प्रोहिबिटेड है, जो साइट्स है जिसके जिसके तहत इंटरनेशनल ट्रेड जो कन्वेंशन है वो, जिस पे बैन लगता है, तो इसका इसका ट्रेड प्रोहिबिटेड है, अपेंडिक्स वन का पार्ट है, और इंडिया में भी ये इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट का ये पार्ट है। उसके आगे, और इनका जो इमीडिएट, सबसे जो इमीडिएट जो थ्रेट जो विटनेस कर रही हैं, किससे कर रही हैं, रिवर डेप्थ जो घटती जा रही है, पानी जो नदियों में घटता जा रहा है, जिसके लिए जो स्कीम भी चला रही है सरकार अविरल धारा, तो जो जैसे जैसे पानी घटेगा तो इनके जो सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, जगह कम हो जाएगी। एंड अब जैसे रिवर बह रही है तो, लेकिन बीच में से पानी घट गया, यहाँ पे कुछ देखो ऐसे बीच में से सैंड सैंड बाहर आ गई, तो ये अब टुकड़ों में टूट गया, ये रिवर के दो टुकड़े बन गए, तो अब बेचारी इसी कारण से ये भी मारी जा रही है रिवर में, क्योंकि रिसोर्सेज आगे बना तो आगे फ्लोट करके चली जाती है आगे वो, लेकिन अब सैंड बार्स अपीयर होते हैं बीच में, जो देखते हो बीच में से रेत वगैरह आ जाता है, उसके कारण रिवर भी स्मॉलर सेगमेंट्स में टूटती जाती है और हैबिटेट लॉस हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। एंड अदरवाइज एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ थी कि ये जो जो सुल्तानगंज और यहाँ पर जगह है कहलगांव बिहार में, इन दोनों के बीच के एरिया को डॉल्फिन सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है, डॉल्फिन सेंचुरी, और क्योंकि चाहते हैं प्रोटेक्ट करना, इसका नाम क्या रखा गया है, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। तो इसके बारे में आप और भी सर्च कर सकते हैं, विक्रमशिला जो सेंचुरी बनाई गई है, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये दुनिया की पहली सेंचुरी है जो डिवोटेड है, डेडिकेटेड है किसके लिए, गैंजेटिक डॉल्फिन की कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, ओके। तो बस ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एनिमल है, एनवायरनमेंट के लेक्चर में कवर भी होता है और ज्योग्राफी से जुड़ी हुई चीज भी है, तो बता दिया इकट्ठे ताकि थोड़ा दिमाग में रहे, ओके। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपने बताना है गहीर माथा सेंचुरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमें इस पे सवाल पहले बना चुके हैं बहुत बार, गहीर माथा सेंचुरी के बारे में आपने बताना है, जो अपने ओलिवर ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए फेमस है, ये किसके नजदीक सिचुएटेड है, इज सिचुएटेड क्लोज टू दीपोर भील, अब्दुल कलाम आइलैंड, कॉन्फ्लुएंस ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, या पुलिकट लेक।
बहुत ही निहायती आसान सवाल, मैम ने आपको आइलैंड्स वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें आपको जगह जगह चीज़ें बताई गई थी, इसीलिए बहुत ही आसान था यहाँ पर जानना। अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड क्या है, ये जो आपका पहले व्हीलर आइलैंड के नाम से फेमस था, व्हीलर आइलैंड में आपके जितने भी जो DRDO वाले जो टेस्टिंग करते हैं, जैसे आपकी वो अग्नि मिज़ाइल, जितनी मिज़ाइल्स की टेस्टिंग होती है व्हीलर आइलैंड पर टेस्टिंग होती है, बिल्कुल उसके बगल में है, और गहिर माथा और व्हीलर आइलैंड के, और कहाँ बैठता है वैसे, ये ओडिशा के कोस्ट पे, और ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है यहाँ पर, टेस्ट रेंज जो मिसाइल की टेस्टिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। ओके चलो, ये एक बात थी जाननी जरूरी है, अब्दुल कलाम आइलैंड आपको पता लगा कि व्हीलर आइलैंड भी कहलाता है, या फिर व्हीलर आइलैंड का नाम अब अब्दुल कलाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जेट स्ट्रीम थ्योरी है, जो इंडियन मानसून, उसके हिसाब से जेट स्ट्रीम्स प्ले रोल ऑफ क्विक ऑनसेट ऑफ मानसून, कि क्विक ऑनसेट के लिए काम आती हैं, रोल इन हिंडरिंग ऑफ मानसून, मानसून को रोके रखती हैं, बोथ या कोई भी नहीं, जेट स्ट्रीम का मानसून से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसका आंसर बताइए, मानसून पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बना के डाला था हमने, तो वो भी आपको अगर आपने देखा हुआ है तो आपको एक सवाल बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज अगर आपने वो नहीं देखा तो हो सकता है कि सवाल आप गलत कर दो। तो इसीलिए जितना जो ज्ञान नॉलेज कहीं से मिल रहा है, प्लीज़ दोस्तों उसको इकट्ठा करते रहो। प्री बहुत ज़्यादा नॉलेज इंटेंसिव एग्जाम होता है, मेंस इतना नहीं होता, मेंस एनालिटिकल है प्री में, लेकिन जहाँ से ज्ञान मिलता है वहाँ से आपने इकट्ठा करना है। तो इसका आंसर क्या है, बोथ, बोथ आर करेक्ट। ये जो एक ईस्टर्ली जेट आती है, ईस्टर्ली जेट बहुत रैपिडली मानसून को देश में अंदर ले आती है, एज वेल एज अगर जो हमारे जो तिब्बत के ऊपर एक जेट बह रही है, अगर वो वाली जेट अगर विड्रॉ ना करे और हमारे हिमालयस के नीचे से बहती रहे, हमने डिस्कस किया वीडियो में, और अगर वो हिमालयस के नीचे से बहती रहे तो मानसून देश में नहीं एंटर कर पाते, एकदम से वो विड्रॉ करती है, जाती है पीछे, हिमालयस के पीछे जाती है, एकदम से बर्स्ट ऑफ मानसून होता है, इंडिया मानसून आ जाते हैं, ठीक है। ओके चलो, तो वही यहाँ पे बात थी कि ये दोनों ही नॉर्थवर्ड शिफ्ट होती हैं, जब सब ट्रॉपिकल जेट जो वेस्टर्ली जेट होता है ये ऊपर जाएगा तो मानसून आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ पर आपने बताना है करेक्ट ऑप्शन। पहला, पेनिनजुलर रिवर्स हैव फ्लक्चुएटिंग वाटर, क्योंकि ये रेन पर डिपेंडेंट है, पेनिनजुलर जो पेनिनजुला में हमारे रिवर चलती हैं हमारे देश में, इनमें पानी ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी बढ़ गया कभी घट गया, क्योंकि ये रेन डिपेंडेंट है। दूसरा, हीराकुड डैम कृष्णा रिवर पर बनाया गया है। तो आपने बताना दोनों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है, वन टू बोथ या नन ऑफ दीज। आसान सवाल, ठीक है, लेकिन ये वाले सवाल भी आपने गलत नहीं करने एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आप रीड करते हो जब स्टैटिक चीजें, स्टैटिक चीजों में आप यही पढ़ते हो, ठीक है। ओके, इसका करेक्ट आंसर इज ओनली वन, हीराकुड कृष्णा रिवर पे थोड़ी ना है, हीराकुड ओडिशा में है, कृष्णा थोड़ी ना बह रही है ओडिशा में, तो ये किस पर है, महानदी पे बेस्ड है, महानदी है ना, महानदी ये इस पे बेस्ड है। बाकी बात तो ये सही है, ये कि पेनिनजुलर जो हमारी रिवर्स हैं उनका पानी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, बारिशें आती हैं मानसून में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो जाती है उसके बाद, क्योंकि अब इनमें परमानेंट सोर्स तो है नहीं है कोई, जैसे कि रिवर जो अगर स्नो मेल्ट हो रही है वहाँ से, तो हिमालयन रिवर्स का पानी फिर भी काफ़ी कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन वो भी फ्लक्चुएट करता है, लेकिन वो रेन डिपेंडेंट इतनी नहीं होती, हिमालयन पेनिनजुलर तो सिर्फ रेन डिपेंडेंसी पे ही चलती हैं। ओके, अगला सवाल हमारा जो ये है रेड क्लिफ लाइन के रिगार्डिंग, रेड क्लिफ लाइन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर को डिफाइन करती है, रेड क्लिफ लाइन बिना ऑप्शन देखे आपको आंसर आना चाहिए था, ये आसान सवाल है, पेपर में सवाल आएंगे से आसान मिस नहीं करने। पहला, इंडिया पाकिस्तान, दूसरा इंडिया बांग्लादेश, तीसरा बोथ या नन ऑफ दीज। आसान सवाल, ठीक है, ओके, एंड यहां पर करेक्ट आंसर इज बोथ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री को जो रेडक्लिफ ने बनाया था, और बहुत ही रैपिडली आपने हिस्ट्री में पढ़ा था, वो बहुत ही रैपिडली बना दिया रेडक्लिफ ने, तो और पहले तो बांग्लादेश भी ईस्ट पाकिस्तान था ना, तो इसीलिए जहां जहां इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री थी, बॉर्डर था, वो रेडक्लिफ लाइन ही कहलाती है, और अभी कहलाती थी, अभी कहलाती है, ठीक है। तो ये आपको आसान सवाल था, तो ये पेपर में लेकिन मिस नहीं करना। दूसरा, अब ये है आपको एक कुछ, मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा हूँ किसी वेदर फिनोमेना के, आपने मुझे बताना है कौन से वेदर फिनोमेना की बात हो रही है, स्टैंडर्ड UPSC टाइप जो बातें होती हैं। पहला, इट मूव्स ईस्टवर्ड्स, ये ईस्ट की तरफ बहता है अक्रॉस सब हिमालयन बेल्ट, ठीक है, हिमालयस के आसपास से होते गुजरते हुए ईस्ट की तरफ चलता है ये वेदर फिनोमेना। दूसरा, ये लाइट रेन्स कॉज करता है इंडस गंगा प्लेन्स में, और स्नोफॉल कॉज करता है हिमालयन बेल्ट में, जब हिमालयस में बर्फ गिराता है ये। तीसरा, इसके गुजरने के बाद जनरली फॉगी और फॉगी कंडीशंस हो जाती हैं, कोल्ड वेव्स बहती हैं, तापमान भी काफ़ी 5 से 10 डिग्री गिर जाता है, नॉर्मल से नीचे आ जाता है। तो आपने बताना है किस वेदर फिनोमेना की बात हो रही है, किस, साउथ वेस्ट मानसूनस की, नॉर्थ ईस्ट मानसूनस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या लू।
बहुत ही ज़्यादा निहायत ही आसान सवाल जो अपने एक्सपीरियंस से भी आप आंसर कर सकते हो, लेट्स से आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ। एंड करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, सर्दियों में आती हैं एंड ये सब हिमालयन रीजन में बहती हैं, वेस्ट से शुरू होती हैं, ईस्ट की तरफ बहती हैं बहुत रैपिडली। इंडस गंगा प्लेन में यहाँ बारिश करती हैं, इसके आसपास फिर फसल भी जो उगाई जाती है और कुछ नई तरह की फसलें, और जो फसलें जो ऑलरेडी लगी होती हैं उनको वहाँ पे पानी मिलता है, और स्नोफॉल कॉज करती हैं हिमालयन रीजन में, और उसके बाद ये जब गुजर जाती हैं तो हवा में मॉइस्चर रहता है तो फॉग और कोल्ड कंडीशन रह जाती है। तो ये आसान सवाल था, बहुत वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के साथ जुड़ा हुआ। एंड तो बस वही है आप सबसे हिदायत, चलते रहो, पढ़ते रहो, रीड करते रहो। अपना जो प्लान बनाया हुआ था 4 घंटे स्टैटिक पढ़ने का, 4 घंटे करंट अफेयर्स, 2 घंटे खुद को टेस्ट करने का, ये तो कम से कम फॉलो करते ही रहो, लगातार फॉलो करते रहो, और करते रहोगे तो रैंक आएगा। लोगों का रैंक आया है, आता रहा है, कल सर का रैंक आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, आपका भी आएगा, आपका भी इंटरव्यू हम कंडक्ट करेंगे यहाँ पर। तो उस दिन के लिए, उस दिन को इमेजिन करो जब आपका रैंक आया हुआ है और आप लोगों को बता रहे हो, लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उस दिन को इमेजिन करो एंड गेट मोटिवेटेड एंड कीप गोइंग, ठीक है, कीप वॉकिंग। एंड जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आप कब से लगे हुए हो, कुछ हो नहीं रहा आपका, कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेट देम टॉक, आप अपना काम करो, ठीक है, आप अपना बस आगे बढ़ते रहो, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले प्रीमिक्स में बहुत ही जल्द। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।